रामपुर में बिलासपुर क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार पांडे के आदेश अनुसार पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान रोड किनारे गलत तरीके से खड़े दो पहिया वाहनों को सीज कर थाने भेजा गया और दुकानदारों की दुकानों के आगे अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। आज आपने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है तो किस लिए चलाया? देखिए, ये प्रतिदिन यहाँ पर जो भी दुकानदार यहाँ पर हैं वो अपना दुकान तक सामान ले आते हैं, उसके बाद से रोड तक भी अपना सामान रख देते हैं। उधर से उसके बाद से जो दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए वाहन से आता है वो उनके सामने खड़ा कर देता है। इस प्रकार आधा दुकान इधर से अतिक्रमण और आधा सामने वाले से। कोई भी एक गाड़ी जाती है तो निकल जाती है, बट दोनों तरफ से जब गाड़ी जाती है तो पूरा का पूरा जाम हो जा रहा है। या आए दिन प्रतिदिन या हर दूसरे तीसरे इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। लोगों में जो आ रहे हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हम पुलिस वालों ने, हालांकि पुलिस बल हमारा काफ़ी चुनाव में गया है, फिर भी जितने हमारे पुलिस बल थे उसको लेकर के मैं यहाँ से चौराहे से कस्बा चौराहे से लेकर के माठेगा रोड, उसके बाद से पुरानी तहसील रोड की तरफ भी हमने किया है। और इस बार हटाने के साथ साथ उनको दुकानदारों को चेतावनी दिया गया है कि भाई रोड पर अतिक्रमण किसी भी प्रकार से क्षम नहीं होगा, आप अपना सामान बेचें सब चीज़ करें, बट रोड पर आवागमन प्रभावित न हो, ठप न हो, जाम की स्थिति न हो, इस प्रकार की कार्रवाई हम चलाए हैं। आगे भी हमारा ये कार्रवाई चलता रहेगा, यातायात पूरी तरह से चलता रहे, किसी भी प्रकार का उसमें बाधा उत्पन्न न हो। इसमें हम व्यापारी संगठनों से, अन्य लोगों से भी हम अपील किए हैं, उन लोगों से सहयोग लेंगे कि वो लोग भी अपने स्तर से व्यापारियों को बताएं, समझाएं कि रोड पर जाम की स्थिति न हो, अतिक्रमण न किए जाए।